नमस्कार दोस्तों, बरसात से आई फ्लू बीमारी, तो इस बारे में हरियाणा में बाढ़ और भारी बरसात के कारण मौसमी बीमारियों ने लोगों को जकड़ लिया है। डेंगू, आई फ्लू, वायरल बुखार और डायरिया के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं, इससे लोग परेशान हैं। राज्य में रोजाना आई फ्लू के 7,000 से ज़्यादा मरीज सामने आ रहे हैं। इसी तरह डायरिया और वायरल के 6,000 से ज़्यादा केस रोज मिल रहे हैं। बाढ़ प्रभावित एरिया में स्किन एलर्जी की समस्या भी बढ़ रही है। प्रदेश में डेंगू के अब तक 167 मरीज मिल चुके हैं और एक जान जा चुकी है। डेंगू के जींद में 65, व रेवाड़ी में 21 केस मिले हैं। तो सावधान दोस्तों, डेंगू बहुत ज़्यादा तेजी से फैल रहा है। विशेषज्ञ के अनुसार इस बार आई फ्लू ज़्यादा घातक साबित हो रहा है। इसका कारण एडेनी वायरस का म्यूटेट होना है, जिससे यह 4 गुना तेजी से फैल रहा है। नाम है वायरस का एडेनी वायरस। तो एक सवाल ये बनता है कि एडेनी वायरस आई फ्लू के अंदर इम्पोर्टेंट है, 4 गुना तेजी से फैल रहा है, यानी एक व्यक्ति से एक लोग संक्रमित हो रहे हैं। साथ ही मरीज की स्वस्थ होने में ज़्यादा समय लग रहा है। बीमारियां इतनी तेजी से फैल रही हैं कि स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है। सभी CMO से कहा गया है कि वे एंटीबायोटिक दवा पर्याप्त रखें। स्कूलों, छात्रावासों और अन्य भीड़ वाले जगह स्थान ध्यान रखें। सिनेमा थिएटर, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन जैसी जगह तेजी से फैलता है। तो बीमारियों में जो टॉप 5 ज़िले हैं, सबसे ज़्यादा बीमारियां रोहतक में हैं, जिसमें आई फ्लू के 600 केस हैं, और जींद में डेंगू के मरीज हैं 55, गुरुग्राम में आई फ्लू के 450 और रेवाड़ी में 21। तो आई फ्लू से कैसे बचें, इसके बारे में बताया। बचाव रखने का हमारा तरीका क्या है? दूसरों के साथ संपर्क में ना आए, TV मोबाइल न देखें और साफ पानी से नहाएं। लक्षण, आंखों का लाल हो जाना, पानी बहना, दर्द व खुजली होना, सूजन आना। डायरिया से कैसे बचें, पानी उबाल कर पिएं, स्वच्छता रखें, बासी खाना बिल्कुल न खाएं, मौसमी सब्जी और फलों का सेवन करें, जूस पिएं, लगातार साफ पानी पीते रहें। परेशानी महसूस होने पर तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें। संक्रमित व्यक्ति से दूर रहें। पिछले दिनों में तापमान में बेहद उतार चढ़ाव आए हैं, इससे पीड़ित एडिनो वायरस का स्ट्रेन बदल गया है। इससे यह वायरस पहले से 4 गुना तक अधिक हमलावर हो गया है। एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे में तेजी से फैल रहा है। फिलहाल बढ़ी हुई उमस इस वायरस के लिए अनुकूल है, जिससे फैलाव बढ़ रहा है। इसका दुष्प्रभाव अगस्त में भी रह सकता है। इससे ज़रा सी लापरवाही आंखों के कॉर्निया को ख़राब कर सकती है। ये डॉक्टर सुमित सचदेवा, नेत्र विभाग, PGI रोहतक ने इस बारे में बताया है। धन्यवाद दोस्तों।